पीलीभीत के थाना जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम कुंडारा निवासी ओमेंद्र पाल पुत्र सियाराम ने थाना जहानाबाद पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने बताया है कि ग्राम के ही निवासी गुड्डू पुत्र पूरन लाल व लालाराम पुत्र नरोत्तम लाल व पूरन लाल पुत्र नरोत्तम लाल के खेत से अपने ट्रैक्टर से गेहूं मजदूरी पर निकाले थे। ओमेंद्र ने मजदूरी के पैसे उस समय नहीं लिए थे। जरूरत पड़ने पर ओमेंद्र अपने मजदूरी के पैसे उक्त लोगों के पास लेने आया। ओमेंद्र द्वारा पैसे मांगने पर सभी लोग भड़क गए और सब लोग गाली गलौज करने लगे। जब ओमेंद्र ने उसका विरोध किया तो इन सभी दबंग लोगों ने ओमेंद्र को लाठी डंडों से मारा पीटा तथा पूरन लाल मास्टर ने ओमेंद्र के सर पर लाठी मार दी, जिससे ओमेंद्र का सिर फट गया तथा ओमेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका थाना जहानाबाद पुलिस ने मेडिकल कराया है। ओमेंद्र ने थाना जहानाबाद आकर पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया और न्याय की गुहार लगाई है। प्रार्थना पत्र मिलते ही पुलिस ने उक्त तीनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उक्त तीनों दबंग फरार है और पुलिस लगातार दबिश दे रही है। आपके साथ क्या घटना हुई है? मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ मैंने अपने ट्रैक्टर से अपने गांव के पूरन लाल मास्टर के भाई ओलासीराम व लालाराम, क्योंकि मैंने गन्ने की धुलाई की है, गेहूँ की खंडाई की है, बाकी जुताई है मेरी। जब मैं पैसे लेने के लिए गया तो मारने के लिए और जान से मारने की धमकी दी, तो मैंने रिपोर्ट चौकी प्रभारी के यहाँ लिखवाई, तो मैं आया तो उन्होंने मुझे जहानाबाद भेजा। उन्होंने कहा एस ओ साहब से मिलो। जब मैं यहाँ आया तो एस ओ साहब ने मेरे से कहा कि जाके एक बार उनसे मिलो, कहो उनसे कि फैसले के लिए एक बार आप जाके बोलना उनके घर पर। और मेरे गाँव के प्रधान जी ने भी कहा, तो मैं उनके घर जब उन्हें बुलाने के लिए गया था फैसले के लिए, तो उन्होंने सब भाइयों ने मुझे घेर के लाठी और बंके से मुझे मारा। आपने पहला प्रार्थना पत्र कहाँ दिया था? पहला प्रार्थना पत्र मैंने साई चौक। किसने कहा आपसे जाके कि इस पटना साहब से मिलो? मुझे अभय सिंह पांडे ने।